नागपुर जिले में मोदा के एक नाबालिग छात्रा पर रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में छात्रा का शोषण कर उसकी हत्या कर दी गई है। आरोपी को मोदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। मोदा में एक रेप और हत्या का मामला सामने आया है। छात्रा ट्यूशन क्लास पूरी कर घर लौटते समय युवक उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर सालवा कुही शिवार के जंगल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उसने गुस्से में उसकी गर्दन और पेट पर चाकू मार उसकी हत्या कर दी। घटना मंगलवार को हुई और बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम धीरज सुरेश शिंदे 19 वर्षीय भामेवाड़ा ताल मौदा है। मृतक छात्रा मौदा के शिवाजी नगर की निवासी 15 वर्षीय छात्रा है। वह मौदा के जनता हाईस्कूल में 10वीं कक्षा में है। आरोपी धीरज ने पुलिस को बताया कि उसके किसी अन्य बच्चे के साथ संबंध होने का संदेह है। शक होने पर वह उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर सलवा शिवार के जंगल में ले गया। शाम करीब 4 बजे उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उसने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के इरादे से धीरज उसके शव को जंगल में फेंक कर गाँव की तरफ भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच की जा रही है। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावीकर की रिपोर्ट। मोदा शहर में एक लड़का और एक लड़की 6 माह पहले इंस्टाग्राम के थ्रू उनकी जान पहचान हो गई थी। उसमें उनका वो नजदीकियां बढ़ गई। लड़की ट्यूशन में जाती थी, 15 साल की थी। लड़का 19 साल का है, धीरज शिंदे, भामेवाड़ा में रहता है। वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। क्लोज आने के बाद में उसको ऐसा पता चला कि ये लड़की किसी और लड़के के साथ भी बात करती है। ये डाउट आने के बाद उसने कल उसको 9 बजे के दरमियान ट्यूशन क्लास से साथ में लिया और यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर जंगल में जो वेलतुर पुलिस थाने के अंदर आता है, सावड़ी राजूला, वहाँ लेके गए। वहाँ उसने जो नहीं करना चाहिए था ऐसा कर बैठा। अति प्रसंग होने के बाद वो लड़के से तू बात क्यों करती है, इस विषय को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। झगड़े में उसने अपने जो चाकू आरडी लेके गया था वो उससे उसके पेट के ऊपर 5 घाव किया और गर्दन के ऊपर भी घाव किया। उसका खून करके वही उसने छोड़ के भाग के आ गया। हमारा इस घटना के ऊपर से बाकी सब लोगों को आपके मार्फत निवेदन है कि हमारी लड़की या हमारा लड़का ट्यूशन में जाता है, क्या करता है, मोबाइल पे क्या करता है, इसके तरफ जरा पालक लोगों ने ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा इंस्टाग्राम में 6 महीना पहले पैदा होने के बाद इतना बड़ा अनर्थ हो गया है, इसके ऊपर से हमने सीख लेनी चाहिए। अभी आरोपी धीरज शिंदे हमारे पास 10 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड में है। इसमें माननीय मगर साहब पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण, बागवान साहब SDPO कामठी, इन्होंने घटनास्थल पर विजिट किए, उनके मार्गदर्शन में तपास शुरू। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।